अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीसीटीवी वर्ल्ड। ये वाक़या जो पेश आया, इसकी फुटेज में मौसूल हुई है न्यू कराची सेक्टर 5G काली मार्केट वाजिद डेयरी शॉप से। ये मिल्क शॉप है जहाँ पे आप देख सकते हैं दुकानदार कस्टमर को डील कर रहा है और ये कस्टमर चला गया। अब ये लाल शर्ट वाला जो डकैत है, ये एज आ कस्टमर इसको पैसे देगा दुकानदार को, और इसके साथ जो शलवार कमीज़ वाला, ये भी इस डकैत का साथी है जो कि रास्ता क्लियर देख के इसे इशारा देता है कि अंदर दाखिल हो जाओ। अब लाल शर्ट वाला इस साइड से आएगा। अब ये देखें, ये शलवार कमीज़ वाले ने पिस्टल निकाला और दुकानदार को दिखाया। दुकानदार पिस्टल देख के कन्फ्यूज़ हो गया, घबरा गया, अपने एयरपोर्ट्स भी निकाल के उसने काउंटर पर रख दिए। अब लाल शर्ट वाले ने इसे कहा कि आप बैठ जाओ, और उसके बाद इसने यहाँ से शॉपर उठाया। शॉपर उठाने के बाद जो है इसने एक दराज खोला, उसमें से शॉपिंग शुरू कर दी। सारा माल वाले इसने जमा कर दिया। माल तो ये लोग ऐसे ही शॉपरों में बढ़ते हैं जैसे किसी मार्ट में आए हुए हैं या किसी शॉपिंग मॉल में आए हुए हैं। इनके बाप ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो ना लूट से लगी हुई, लूट लो जो चीज़ मिलती है। चार्जर मिले, पैसे मिले, एयरपोर्ट्स मिले, मोबाइल मिले, जो भी मिले आप शॉपर में बढ़ लो। अब ये दुकानदार से भी इंटरव्यू कर रहा है शलवार कमीज़ वाला, और बैक साइड से वो जंगले की तरफ जा रहा है। उसे वहाँ शायद कोई आसरा नज़र आया या किसी ने मोबाइल वोबाइल छीना हुआ, उसने उस तरफ चला गया। अब ये देखें, दुकानदार से जेबें वगैरह भी खाली कर रहा है इसकी, और मोबाइल भी इससे ले रहा है, और भी आगे पीछे जो चीज़ें इन्हें नज़र आ रही हैं ये इससे बरामद करवा रहा है। ये देखें, दुकानदार भी देख रहा है और दूसरा कहाँ चला गया। अब ये देखें, इसने जेब से भी कुछ मोबाइल या पैसे वैसे निकाल के दिए। तकरीबन 85,000 की गैर मुसद्दक इत्तला के मुताबिक 85,000 की ये डकैती हुई है इस दुकान के अंदर। और उसके बाद ये जो पेंट शर्ट वाला डकैत है, ये दुकान से बाहर की जानिब चला गया है, और वहाँ जाके इसने अपने शलवार कमीज़ वाले साथी को भी बुलाया कि भाई काम हो चुका है और निकलने की तैयारी करो। अब ये देखें, ये दोनों वहाँ चले गए, बाइक पे बैठे। दुकानदार बेचारा बेबस मजबूर चुपचाप बैठा हुआ। उसे लोग बोल के गए होंगे कि अगर कोई इशारे की तो मार मार देंगे, जो ये लोग धमकियाँ देते हैं। अब वो देखें, दोनों बाइक पे बैठे, ये देखें बाइक पे बैठ के दोनों फरार हो चुके हैं।